हाय मेरे दोस्तों, 3 दिन से थोड़ा स्ट्रेसफुल मामला चल रहा है हमारा। यस गाइस, 3 डेज 3 डेज। अच्छा, लास्ट एक दिन व्लॉग डिले हो गया, जो मैं पोस्ट करना था उसके बाद अलग वाला पोस्ट कर दिया। बड़ा व्लॉग था, उसमें पीछे की टेक्स जिसमें लगाए थे वाला टेक डालना भूल गया, तो इसलिए छोटा व्लॉग चला गया। इसलिए फिर मैंने एक दिन ना गैप छोड़ के अगला व्लॉग सीधे डाल दिया अनुज के बर्थडे वाला। तो अभी इतना स्ट्रेस पता क्यों आ गया? क्योंकि क्या है, जिस दिन व्लॉग बनना स्टार्ट हो रहा था अनुज के बर्थडे पे, उस दिन मेरी और यशी की हो गई लड़ाई। तो 3 दिन हो गए हैं, उसने उससे बात नहीं करी। चौथा दिन आ जाए ना वो छीकी। मतलब छीक सुन के मैं अभी काम चला रहा हूँ बस। गाइस, आवाज तो ये बिल्कुल नहीं सुन पा रहे उसकी। यार मैं पता है 2 दिन से ट्राई भी कर लिया बात करने की। सॉरी, उसको मैसेज भी डाल रहा हूँ, तो पता है ये लुक दे रही है बस। ये वाला इमोजी आता ना, कौन सा? ये वाला। कल रात को तो उल्टी वाला दी थी। सॉरी भैया, आपकी यार क्या करूँ बता यार, रणथंबोर भी निकलना है अपन को। वहाँ भी बात नहीं करेगी पूरे रास्ते, फिर चुपचाप जाओगे तुम लोग भी? भाई नहीं, ऐसे गाइस पता है कि जब से दोनों बात नहीं करे, जब से घर में है ना, सून 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 हो गई है ना। मेरे से दीदी बात कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इनसे नहीं कर रही बस। तेज से कर रही है नहीं कर रही, उससे मतलब नहीं, सून होगी घर के अंदर कुछ ही नहीं। सून आप सून हो गए। हाँ गाइस, ये हो गए सबसे ज्यादा सून। इनका मुंह तो चूसी जैसे छोटा हो गया। जाऊँ क्या उसके पास? अभी क्या कर रही है वो? अभी तो पता नहीं क्या कर रही है, अभी तो वीडियोस देख रही है। हाँ तो फिर रहने दे। जब फ्री बैठी होगी तब जाऊंगा। अभी फ्री है इसका मतलब? अच्छा, जाता हूँ। देखो भगवान, जा रहा हूँ उसके पास। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चल निकल निकल, गुड मॉर्निंग। वो क्या कर रहा है? चल निकल निकल। गाइस थोड़ी सी इनकी सॉरी है। दीदी इस वीडियो को सुन, लाइक करा था कल। मुझसे रूठ गए तो मुझसे बात करेगा। मैं बताऊं क्या इन दोनों का क्या है? ये तो है ना बीमार जैसे हो जाते हैं। वो उसका तो दिमाग ही खराब हो, तो काम में उसका दिमाग नहीं लगता, और ये इनका मुंह ताजा हो जाता है। ये उधर ही इधर। ये तो बताओ यार, ये बात नहीं करेगी तो फिर मैं उधर ही उधर जाऊंगा ना, इधर उधर कैसे आऊंगा? फिर क्या, वो हमारा पट जाता है एरिया, उधर वाला मेरा है, इधर वाला इससे इसका है। मैं क्या थोड़ा सा टाइम लेता हूँ कि एक दिन निकल जाए, दूसरा दिन निकल जाए, तब थोड़ी सी शांत हो, कि हाँ भाई इसको भी लगे कि हाँ यार 2 दिन हो गए। दीदी यार इनको रील बनानी है शाम को आपके साथ। इसीलिए तो ये बात कर रहे हैं, जल्दी सी बोल दो। कोई सुन रहा है क्या? रूस गई मुझसे दीदी। किसको सुना रहे हो? कोई भी सुन ले। अरे वो हड़ताल खत्म हो गई। और क्या है, वो भी नहीं आता सुनने के लिए। आप उसकी हड़ताल चालू है अब। अरे यार मैं इधर यही बैठ जाऊंगा, धंडा दे दिया। खेलूंगा नहीं जब तक ये बात नहीं करी। कैसे धंडा दे दिया है? उधर बैठो धूप में, या क्या बैठे हो एसी के अंदर? जब तो मान जाएगी। अरे अगर तेरे को ना बात नहीं करी तो हंसे ही पता मुझे। कितने टीम कैसी है वो मुझे पता है। तू क्या गड़बड़ करने जा रही है? मुझसे पूछो तो मैं ठीक करूँ। मैं जा रही हूँ आज फाइनली अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, परमानेंट वाला। इससे पहले मैंने सिर्फ लर्निंग बनवाया था, और मेरे साथ अनुज भी जा रहा है। देखते हैं वहाँ पे कैसे क्या होता है। मैं इससे पहले जब गई थी तो मैंने बस पेपर वर्क किया था, वहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होता है वो कुछ नहीं दिया था। तो लर्निंग के लिए सब नहीं होता ना, सिर्फ परमानेंट के लिए चलानी पड़ती गाड़ी। तो आई एम लॉन्गिंग गाड़ी मलाइका, और मैं किया ही चलाऊंगी। भानु को ये सोच सोच के बेचारे को पहले से डिप्रेशन हो रहा है। भानु क्यों पागल, चला लूंगी, मैंने चलाई दी है। तो क्या होगा, चली जाएगी? या मतलब इसको ये लगता है कि अगर मैंने गाड़ी चलाई तो इसका एहसास हो जाएगा कि जानी पड़ेगी। कहाँ पर है इस वक्त हम? अंबावाड़ी। अंबावाड़ी में ये तो डेयरी लग रही है भानु। पर दीदी यहाँ समोसे मिलते हैं, मैं पहले स्कूल आता जब खाता था यहाँ। अच्छा, तो भानु कह रहा है कि यहाँ के समोसे बहुत ज्यादा फेमस है। तो भानु फेमस नहीं, अच्छे हैं बहुत। अनुज अच्छा टेस्टी है, फेमस अब हो जाएंगे। अनुज और मीकू खा रहे समोसे। गाइस खा के बताओ जल्दी से कैसा लगा सबको? मुझे तो अच्छा लगा। तेरे को? मैंने खाया नहीं। कैसा है? अबे मुंह के अंदर गया भी नहीं होगा पहले। टेस्ट तो आ गया। अब आप खाके बताओ। गाइस वैसे तो झूठ तो क्यों ही बोलूं कि मैं ज्यादा समोसा नहीं खाती। आप तो पपड़ी पपड़ी खाए हो दीदी। मुझे पपड़ी अच्छी लगती है। पपड़ी तो बहुत अच्छी है। हम आ चुके हैं आरटीओ ऑफिस, और सच बताऊं इतनी तेज धूप है। हम आ चुके हैं और अब आने वाला है मेरा नंबर। यार मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, लेकिन ये जो भैया है ना जो बोल रहे हैं, दीदी मुझे डर लग रहा है। मुझे डर ना, इनको बोल रहे कि आप ना हमारी गाड़ी चला लो आपकी। भैया मैंने कभी भी 800 नहीं चलाई, मुझसे नहीं चलेगी। किया तो फिर भी मैंने चलाई, मैं चला लूंगी। नहीं दीदी रहने दो, मैं चला।
दे आए हम लोग टेस्ट, मैंने भी गाड़ी चलाई, इसने भी चलाई, बहुत मजा आया। मेरे को वापस चला के फिर से मेरे को वो उठ गया कि मैं फिर गाड़ियां चलाऊंगी थोड़े दिन के लिए, फिर मैं वापस शांत हो जाऊंगी। गाड़ी चलाना इज फन बाय द वे। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं डेंटिस्ट के, और अकेले जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है। तो आज होप सो मेरे नीचे के ब्रेसेस हट जाएंगे, बाकी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि हर बार मेरे को लगता है कि नीचे से ब्रेसेस हट जाएंगे लेकिन वो कुछ ना कुछ और बता देते हैं, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। तो लेट्स सी। सो आज फाइनली मेरे नीचे वाले ब्रेसेस हट रहे हैं, फाइनली। टाइम देखो 7:30 बज रही है और अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, और फिलहाल मेरे नीचे के ब्रेसेस हट चुके हैं। ये देखो अभी ऊपर के हटना बाकी है, नीचे के मेरे बहुत सही हो गए हैं, दांत मेरी स्माइल बहुत बेटर हो गई। पहले से मैंने पहले की फोटो देखी, मैंने कहा सही डिसीजन था मेरा कि मैंने ब्रेसेस वगैरह लगवाए, मेरी स्माइल पहले से बहुत बेटर हो गई। थोड़ी सी दिक्कत वगैरह आती है लेकिन हाँ, जब इतनी अच्छी स्माइल हो जाती है तो फिर लगता है कि हाँ भाई जो आपने इतना टाइम दिया इस चीज को वर्थ इट था। अभी ऊपर के साथ ऊपर वाले दांतों के साथ सीन ये है कि मेरा ये कैप लगने वाला है, इधर लगने वाला है, उसके साथ ही ब्रेसेस हटेंगे। तो अभी मैं रणथंभौर जाके वापस आऊंगा, उसके बाद उसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, बस मैं सही दिन पे करवा लूं, नहीं तो हर बार की तरह डिले होता चला जाएगा। होप सो मैं अगली जो हम एक और ट्रिप मारने वाले इस मंथ एंड में, उससे पहले मैं इसको क्लियर करा लूंगा, फिर मेरी पूरी स्माइल परफेक्ट हो चुकी होगी तब तक। और वैसे इसका पूरा क्रेडिट जाता है यशी को, क्योंकि उसने ही कन्विंस किया था मुझे इस चीज के लिए, वरना तो मैं कभी जिंदगी में नहीं करा। गाइस हट गए, हट गए, हट गए, दांत नहीं हट गए, ब्रेसेस हट गए, सीधे भी हो गए यार, अजीब सा लग रहा है ना एक बार पहली बार देखने में। हाँ खाली खाली, तो खाली खाली, चल यार इतना खाली खाली है, जिम जाया तो ठीक ही जाए है ना, अभी तो क्लास ले रही है। आज कर रहा हूँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और थोड़ा बहुत कार्डियो करूंगा, बॉडी पहले से काफी ठीक हो गई है मेरी। अब मैं वेट चेक करता हूँ एक बार, आपको बताता हूँ तब कितना हो गया था और अभी कितना है। मैं थोड़ा सा लीन कर रहा हूँ बॉडी को, 68 है, 70 क्रॉस हो गया था, 2 किलो वेट ऑलमोस्ट कम हो चुका है। बैडमिंटन और जिम दोनों साथ में मिक्स करा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बॉडी भी जल्दी से टोन होती जा रही है, पूरी मसल धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। होप सो जल्दी एकदम बढ़िया बॉडी में आ जाऊंगा वापस से। गर्मियों का सीन ये कि मेरे को ना खाने में बहुत दिक्कत होती है, गर्मियों के टाइम में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सर्दियों में खाने में मजा आता है लेकिन उस टाइम पे लीन करने का मन करता है, गर्मियों में लीन थोड़ी जल्दी हो जाती है बॉडी। तो लेट्स सी प्योर वेज पे कितने टाइम में बन पाती है, कैसी बन पाती है बॉडी। अभी रेगुलर चल रहा है, महीने डेढ़ महीना से दो महीने के अंदर बहुत सही बॉडी हो सकती है अगर ऐसी कंटिन्यू रहा तो। मैं वो होप फॉर द बेस्ट। अरे देखो पूरा जिम खाली है हमारी सोसाइटी का, और आज तो हमारी टीम में से बाकी लोग नहीं आए, हितेश वगैरह चला गया, भानु चला गया घर पे, यशी आई नहीं, सब कुछ खाली खाली से लग रहा है। अच्छा एक और चीज बताऊँ, यशी के साथ सीन ये है कि वो महीने दो महीने तीन महीने में एक बार नाराज होती है, लेकिन अगर उसको गुस्सा आता है और नाराज होती है तो फिर गई लंबी, 3 से 5 दिन वो कम से कम लेती है, लेकिन होती 4 महीने 5 महीने 6 महीने में एक बार है, लेकिन अगर होती है तो फिर बहुत टाइम लेती है। इसलिए हम लोग उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता ज्यादा, अगर उसका गुस्सा आ रहा है अगर वो नाराज हो गई तो हम लोग एक बार बोलकर उसको ऐसे छोड़ देते हैं अपने हाल पे, तो खुद खुद का गुस्सा खुद धीरे 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 शांत करती है, धीरे धीरे नॉर्मल होती है, फिर खुद ही बात करने लग जाएगी। तो कभी कभी आता है, होता है सबके साथ अलग अलग होता है, जैसे मुझे तुरंत ही आ जाएगा तुरंत शांत हो जाता हूँ, उसके साथ सीन ये कि बहुत मुश्किल से आएगा लेकिन आएगा तो इतना तेज आएगा कि बस फिर तो जल्दी से उसके दिमाग से जाता नहीं है, इसलिए उसको मैं बार बार पिन नहीं करना वरना और गुस्सा हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ दिया, अपने आप ठीक होगी, नॉर्मल होगी, फिर बातें करने लग जाएगी अपने आप ही नॉर्मल। दोस्तों ये क्या मान नहीं रही थी, अब कल से ट्रिप जा रहा है ना, मान नहीं रही थी, फिर मैंने इधर से 3 बेल्ट निकाली, मैंने कहा पता किससे पिटेगी तू, फिर तुरंत इसने मुझे सॉरी बोल दिया, खुद ने सॉरी बोल के मुझे माफ कर दिया। मैं सॉरी बोलूंगी गो बैक, बिल्कुल नहीं, मुझे तो एकदम इसका उल्टा लग रहा है। है ना दीदी, नहीं सॉरी तो किसी ने नहीं बोला, एक दूसरे के ऊपर चिड़ करके हमने निकाल लिया गुस्सा निकल गया। मेन बात ये थी हम दोनों के बीच में कि एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकाल ली थी जो कि अंदर मन में भरी, बट एक तरीका होता है ना, अगर उस टाइम जब अपनी वो तूतू में हुई थी उस टाइम अगर अपन चिल्लाते एक दूसरे पे तो वो अगली होता, नेवर मेक अ कॉन्वर्सेशन अगली, चाहे 4 दिन बात करो, 5 दिन बात करो, 10 दिन बात करो, लेकिन तमीज से हुई ना। मेरे को यार वो चीज अच्छी नहीं लगती जब तुम एक दूसरे पे चिल्ला रहे हो, क्योंकि उससे चीजें बहुत खराब हो जाती है जो तुम आगे रिवर्स नहीं कर सकते। समझदार, टेक योर टाइम एंड ऑलवेज डू इट राइट। इसने टाइम लेके 2 दिन पूरी सीरीज देख डाली, 2-4 और भाई भयंकर दाम ने कितनी सीरीज देख डाली, नहीं नहीं एक ही सीरीज चल रही तभी तो। अरे इसका ध्यान नहीं लग पा रहा था ठीक से, बार बार पॉज करके देख रही थी कि वो आवाज तो नहीं लगा रहा मुझे, या मुझे याद तो नहीं कर रहा। मुझे क्या नोटिस कर रही थी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ उदास, ये हंस रहा है मुझे, किनारी तू तो हंस रहा है 2 दिन से, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। हाँ, तू हंस रहा है क्योंकि जब मैं चुपचाप बैठी हूँ तो तू कैसे हंस रहा है, इतना सारा ठूस ठूस के खाना भरा है मेरा तो तूने देखा नहीं, मैंने सिर्फ इतना से खाया, अरे मेरे का इतना सा नहीं, मैंने नहीं खाया इतना भी नहीं, ये बोला कि तूने, ये बोला कि मैंने भी नहीं खाया, मैंने कहा तूने तो खाया है, अभी भी कुछ नहीं खाया दीदी ने,
बोल ये तो इसकी वो ये रात को कि इसको ये अच्छा नहीं लग रहा वो अच्छा नहीं लग रहा इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने पास्ता मंगा के भी छोड़ दिया अच्छा भी नहीं लग रहा यही रीजन है मुझे भूख नहीं लग रही अब खा लो मुझे भूख नहीं लगती जब मेरे दिमाग में बहुत चीजें चलती है हाँ ये बात है तो स्ट्रेस में आ रहा है तू नोट डाउन कर जा रही है इसको गिनाऊंगी कि रुक जा मैं आज नहीं खाती हूँ खाना इसने कैसे खा लिया मेरे से पहले और मैं अगर तेरे को सच में दिखा दूँ कि मैंने लिखा हुआ था क्योंकि मुझे चीजें याद नहीं रहती पर इस बार मैंने लिखा क्योंकि तू मेरी बात नहीं सुनता क्योंकि तू मेरी बात नहीं सुनता तू मेरे को हमेशा पागल बना देता आई तो हुआ ही नहीं था मतलब पॉइंटर्स के साथ बात कर रही क्योंकि मेरी बात नहीं सुनता कभी दिन में कितने पॉइंट लिख पाए तीन गलती करी आपने तीन तो नहीं प्रो इट्स अ प्रोलॉन्ग मिस्टेक यू नो सुबह सरा था शाम को सरा था रात को सरा था ये गलती है गलती अगर हो गया हो सुलटारा तो पैकिंग कर लेते हैं क्या मतलब बात का मेन पॉइंट्स क्या था लड़ाई का कुछ भी नहीं देख कुछ भी नहीं पहले सब कुछ सुना और फिर पैरों पड़ गया तू और मेरे पैरों में पड़ेगा हो गया सुल्टारा हाँ चिल्ला ली या मजे कर ली चलो ठीक है हो गया चिल्लाई ना इज अ बैड थिंग आती क्या बोली तू मेरे पास बात करने को नहीं आया देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ चुप कर ये मुझे व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेज कर रहा है ना बाहर आके सबको गेट खोलने लैंड तो आगे मुझसे बात कर लेना सब तो बोलने से क्या होगा दुनिया को बोलने से क्या होगा अरे तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ तेरा मजाक निकाल दूंगी इसने ये सब चीजें पॉइंट में लिखी है बोले तू खुद अकेले आके मुझसे बात करता तेरे मेरे बीच की बात थी तू मस्ती कर रहा है तू मेरा मजाक उड़ा रहा है मैं तो सब बोल दी भाई देखो फोन में तो नहीं देखी थी बिना फोन के याद था तो दिमाग में लिख के दिखा दूंगी तेरे लिखा दिखाऊ चहल पहल हुई वो तो अच्छा है एकी का नाम ट्रिप पे जा रहे इसलिए दीदी ने आज ही बात कर ली मैंने बात की मैंने बाबूजी मैंने नहीं तो मैं तो भाई रास्ते में दो चार जानवरों को चिड़ियों को फोन कर रही हूं रास्ता कैसे कटेगा अपना चलो गाइस हुआ तू सुल्टारा हो गया गाइस अभी गया हूं आज मैं डेंटिस्ट के बताओ गाइस अभी मैं गणेश जी के गया था ना जब गणेश जी को यही बोला था गणेश जी जल्दी से बात करवा दो सो स्वीट और यार मैं तो बोलना ही भूल गया इस बारे में ऑल देख रहे हो ना इतनी सी बात के लिए उनको परेशान करूं मैं नहीं नहीं परेशान लेकिन भानु ने तो करा ना लेकिन उसकी चीज काम भी करी मैं आई बात करने जो कि होना भी नहीं चाहिए था उसने बोला कि जिसकी गलती है वो नहीं बोला उसने यही बोला मैं सुन मेरे पीछे था मेरे को सुनाई दिया था अच्छा बोला नहीं जिसकी गलती है वो आगे से जाके माफी मांग चलो गाइस हो गया चलो सुल्टारा पैकिंग कर ली जाए चल मैंने मत नहीं पैकिंग की तो मत करे फिर अभी तक यही अब तो कोई दिक्कत नहीं पांच दिन चार तीन चार दिन मुझे आदत हो चुकी है दो दिन और रह लूंगा मैं तो वहाँ इनसे बातें कर सकता हूँ मैं पूरे दिन बाय सीरीज डाउनलोड कर दू डाउनलोड नहीं करनी कल क्या करने वाला था नेटफ्लिक्स वो करने वाला था मैं जानती हूँ और तेरी वजह से मेरा एक वीडियो रह गया कौन सा वीडियो रह गया मेरे को अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना मैं अमेजोन का वो कार्ट में ऐड करके मेरे दिमाग से निकल गया मैं कल ट्रिप पे जा रहे हैं आज पता है दिनों बोल रही कपड़े ले लिए क्या कुछ यार तू तैयारी नहीं कर रहा अगला है ना काम तो करेगा जरा से लिया अगला कुछ भी नहीं सन्नाटा मैंने एटीट्यूड देख रहा है तू एफएम चला लिया फिर मैंने एक जगह एक जगह बोला उदास हो गई हो तो मना ये ना कुछ बैठी बैठी ऐसे चैनल चेंज कर रही एकदम से उदास हो गए हो तो बना लिए जाओ और तेरी तेज उंगली मारी उसके अंदर तेरी कसम ये चीज आई मैं उतनी तेज हंसी आई मैं स्कूटर और ऐसे कंट्रोल हंसी करके फट से चेंज कर दिया इसने और फिर बोलती कपड़े ले आएगा तो यार ये कुछ कर ही नहीं ना फिर पता चला मैं इसने काम भी नहीं कर रहा ना फिर तरह जग लिया नहीं मेरे पास वो चरम की पड़ी है कम तो नहीं है दो दिन से ना रूम में भी नहीं आ रही मुझे जगाने के लिए तू तो बड़ा है तू तो कह रहा है मैं भी नहीं आता मेरे रूम में तेरा तो क्या ही बोलना तू कहा मेरे रूम में बताइए उधर की साइड नहीं जाता है मैं यार उस वो एक टेरिटरी इसकी नहीं है सिर्फ यही है इसका घर वरना तो रोज सुबह आके मैं उठ गई हूँ शर्म नहीं आ रही तो तू 11 बजे तक सहेगा तेरे क्या कोई बात नहीं मुझे तो लगा ही था मैं तो सोच रहा था कि मैंने सेटअप करा था मैंने कहा आज मेरे को व्लॉग कुछ अलग तरीके से बनाना पड़ेगा अकेले बानो के साथ बात तो मैं नहीं ही करूंगा लेकिन जाके ये बोलना लेकिन फिर
देख रहा था इन कपड़ों को कौन से ले जाऊं कौन से ले जाऊं, फिर आके बैठ गई ऐसे। आ गई दीदी, पता है मैं आ गई और मित्र देख के आ रहा ऐसे मित्र देख के बैठ गई सीरियसली बैठ गई। अब सीरियसली यार हम लोग 5-7 महीने में एक बार बात करते हैं, नाराज़ महीने में तो रोज नहीं होती हूँ। वो तो मैंने बताया था ऑडियंस को, मैंने कहा ये ना नाराज नहीं होती, होती है तो 4-5 दिन की गई। I'm a very serious person. Guys, vlog end करते, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।